हमीरपुर में कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर द्वार पर सब्जी पहुंचाने की पहल की गई है, जिसके चलते दिन भर गांव-गांव में गाड़ियों में सब्जियां लोगों को वितरित की जा रही हैं, जिसका लोगों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है। सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाए रखने के लिए प्रशासन के द्वारा निकाले गए हल के चलते लोग अपने घरों में ही रहकर कोरोना से निपटने के लिए काम कर रहे हैं और जरूरी सामान घर के पास ही उपलब्ध हो रहा है। सुजानपुर, चबूतरा, कुठेड़ा चौकी, अवा देवी, हमीरपुर इत्यादि जगहों में मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों को पहुंचाया जा रहा है और लोगों से सब्जी मंडी में निर्धारित रेट ही वसूले जा रहे हैं। सब्जी विक्रेता सुनील ने प्रशासन के द्वारा सब्जी घर घर पहुंचाने के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे लोगों को लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में ही ताजी सब्जी मिल पा रही है। उन्होंने बताया कि प्रशासन के द्वारा तय रेटों के आधार पर ही सब्जियों के दाम वसूले जा रहे हैं। की ओर से हमारी ड्यूटी लगी है कि लोगों को घर घर जाके सब्जियों का वितरण करें, ताकि लोग जो हैं धारा 144 का उल्लंघन ना करें और उनको सब्जियां जो हैं उनके घर पर ही मिल जाएं, ताकि प्रशासन का भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है और प्रशासन जो है जो हमें रेट बता रहा है, प्रशासन जो भी हमें रेट सब्जियों के बता रहे हैं उसी रेट पे हम लोगों को सब्जियां उपलब्ध करवा रहे हैं। वहीं एक अन्य सब्जी विक्रेता बंटू ने बताया कि सब्जियों के अलावा फल भी घर घर में दिए जा रहे हैं और इससे लोगों को अपने घर द्वार पर ही ताजी सब्जियां मिल पा रही हैं। घर घर में हम सब्जियां दे रहे हैं, प्रशासन की ओर से सब्जियां लेके जा रहे हैं तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग सब्जियां खरीद रहे हैं और जो रेट लिस्ट है हमें DC ऑफिस के पास सुबह 7:30 बजे प्रशासन रेट लिस्ट देता है, तो उसी रेट पे हम जो है घर घर में लोगों को सब्जी उसी रेट में देते हैं जो रेट लिस्ट है। सर हम वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 में जा रहे हैं, वैसे कहीं और से डिमांड आ जाए तो वहाँ भी हम चले जाते हैं, फ़ोन पे आ जाए वो डिमांड तो वहीं भी हम चले जाते हैं, उनके फ़ोन नंबर भी हैं हमारे पास, फ़ोन करते हैं तो हम चले।